ये देखिए दोस्तों, अभी हम आए हैं अपना मकई का खेत में, जो कि मेरा से भी बहुत ऊंचा ऊंचा हो गया है। ये देखिए, ये 6 फीट से भी ऊपर चला गया है और अभी इसमें फूल लगना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसमें स्प्रे कर कर के देखिए बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था, पूरा पत्ता को फाड़ करके फाड़ दिया था कीड़ा। और अभी ये स्टार्ट हो गया है दोस्तों, इसको गर्मी में लगाए थे अप्रैल महीना में। ये देखिए अभी ये स्टार्ट हो गया है, ये निकल गया है, इसका जो कली है दोस्तों ये निकल गया है। देखिए ये बहुत ऊंचा हो गया दोस्तों, करीब 7 फीट के ऊपर चला गया है। अरे स्टार्ट हो गया है दोस्तों, फलना स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें अभी छोटा सा है निकला है, इसको दोस्तों बरसात में लगाए थे दोस्तों, इसमें अभी 2-3 निकला है दोस्तों, 3 फल इसमें एक पौधा से निकला है। ये देखिए ये एक पहला फल है दोस्तों, और इधर ये दूसरा फल निकल रहा है, और नीचे अभी ये तीसरा फल निकल रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से तो ये VNR कंपनी का था दोस्तों, VNR का। और ये 3 महीना हो चुका है दोस्तों, इसको गर्मी में लगाए थे, बरसात में ये निकलेगा दोस्तों। बरसात में भुट्टा के रूप में दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका मांग रहता है। ये देखिए अभी पूरा ये जंगल हो गया है दोस्तों, देखिए तो देख सकते हैं किस टाइप में घुसने भर का जगह है। और अभी सिर्फ एक ही मकई का पौधा से अभी निकला है, मकई निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये जड़ इसका, देखिए दोस्तों ये बहुत अंदर तक चला गया है दोस्तों। देखिए अभी कल आंधी तूफान आया था, उसमें भी ये कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे किस टाइप से दिख रहा है दोस्तों। इसको गर्मी में लगाने से इसका फायदा बरसात में स्टार्ट होता है, उस टाइम भुट्टा के रूप में इसको बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाता है। और इसका जो टूरिस्ट प्लेस रहता है दोस्तों, जैसे बस स्टैंड रहता है, रेलवे स्टेशन रहता है, वैसे जगह में इसका बहुत ज़्यादा मांग रहता है। अगर आप इसको पहले लगाते हैं तो इसको शुरू में आपके पास पटवन का व्यवस्था होना चाहिए दोस्तों, अगर आपके पास पटवन का व्यवस्था है तो आप लगाइए इसको गर्मी में। अगर आप गर्मी में लगाइएगा तो आप बरसात में निकाल दीजिएगा, बरसात में इस बहुत कम रहता है दोस्तों ये मकई, जिसके वजह से आपको बहुत अधिक रेट मिलने वाला है। उपज की बात करें तो दोस्तों यह 8 से 10 टन माल निकलता है, और 10 रुपया कीमत भी मिले तो यह 1 लाख के आसपास आराम से पहुंच जाता है दोस्तों। इसमें आपको खर्चा एकदम कम करना है दोस्तों, खर्चा कम करने के लिए आपको ड्रिप में इसको नहीं लगाना है, ड्रिप में लगाइएगा तो आपका खर्चा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। यह मकई भुट्टा के रूप में बिकता तो है, उसके साथ ही यह चारा के रूप में भी यह इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। इसका बीज की बात करें दोस्तों तो यह 1 एकड़ में 2 kg का बीज लगता है और 8 से 10 टन निकल जाता है दोस्तों। दोस्तों इस मकई का खेती करने से इसमें एकदम कम खाद लगता है, जिससे कि आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, आप ड्रिप में ना करिएगा, और खाद भी एकदम कम इसमें डाला जाता है, जिसके वजह से इसका खर्चा कम हो जाता है। और इसको बचाने की बात करें तो दोस्तों इसको आप चिड़िया से बचा सकते हैं, जब यह तैयार हो जाएगा तो इसमें चिड़िया आने लगेगा और इसको खा जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको व्यवस्था करना होगा। साथ ही दोस्तों इसको एक फॉल आर्मी पीला पीला कलर का एक कीड़ा रहता है दोस्तों, उसको उससे भी बचाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये था मकई का खेती के बारे में जानकारी, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।